रा जा। कल्लू, तेरे बाबा ने इस मशीन पर सारी जिंदगी पसीना बहाया था। मैंने नन्नू के बेटे को नन्नू ही वाली मशीन पर लगा दिया है। हमसे तो ये कुत्ता अच्छा है। हम लोग दिन रात मेहनत करते, क्या मिलता है? तो सुखी रोटी। आज से नींद की गोली खाना बंद और मजदूरों की मजदूरी का नशा चालू। प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन। राम राम भैया। राम राम चाचा, बैठो छोटी चाचा, चलो चाचा। ओ भगवान, आओ बैठो बैठो। आओ भैया, राम राम। आओ राम राम, राम राम, राम राम, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है भैया, आज बिरजू चाचा दिखाई नहीं दे रहे? बेटा भैया आ रहा हो। हाँ हाँ। खाचे कबूतर, खाचे खरगोश, खाचे खरगोश, गाचे गमला, गाचे गमला। और बाबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटे, राजा आता ही होगा। मैं आ गया भाई। बाबा, आज सब मजदूरों का पुराना हिसाब किताब सेठ जी ने चुकता कर दिया। सब मजदूर बहुत खुश हैं आज। अच्छा, सबका पिछला ओवरटाइम भी दे दिया? अरे हाँ बाबा, सबका जितना जो बनता था सब दे दिया, और आपका भी जितना बकाया था ना, हिसाब करके मुझे दे दिया। ये देखिए कमाल है, वैसे पहले तो कभी हुआ नहीं। और हाथ के मुआवजे के बारे में क्या कहा डैडी ने? उन्होंने कहा कि मिल को थोड़े दिन अच्छी तरह चलने दो, उसके बाद मैं बिना मांगे आपके पास पैसे पहुँचा दूंगा। डैडी ने अगर ऐसा कहा है तो वो जरूर दे देंगे। बस उस चालबाज मुनीम से बचकर रहने की जरूरत है, कहीं वो कोई चालबाजी ना कर बैठे। रंजना जी, मुनीम को मैं अब कोई चाल नहीं चलने दूंगा, और सेठ जी पर मुझे पूरा भरोसा है। आंटी आंटी, क्या बात है बेटे? कृष्णा का भाई राजा आया बस्ती से। कृष्णा का भाई राजा आया है? नमस्ते। क्यों, अब यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर वकील बन गई है, या फिर शादी की रकम देने आए हो? देखिए, मेरी बहन पढ़ लिख भी जाएगी और आपको दहेज की पूरी रकम भी मिल जाएगी। मैं आपसे बस इतना कहने आया हूँ कि उसे रिश्ता मत तोड़िए। बहुत भोली है मेरी बहन, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी बेचारी। देखिए, आप फिर से एक बार शादी के लिए हाँ कह दीजिए। मैं अपने जीवन की पूरी कमाई आपके कदमों में रख दूंगा। क्या कमाई दे दोगे हमें? हाँ, अपनी जमीन जायदाद हमारे नाम कर दोगे क्या? देखिए मुंशी जी, इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है दुनिया में, और जिस इंसान ने अपनी बहन अपनी बेटी आपके हवाले कर उससे बढ़ के दौलत वो आपको क्या दे सकता है? अरे जा जा, पराया इज्जत की दुहाई देने वाला। अरे जा, अपनी इज्जत अपने घर संभाल कर रख, हमें नहीं चाहिए तेरी इज्जत। इज्जत देखिए, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, आप कहेंगे तो मैं आपके आपके पैर पकड़ लूंगा, लेकिन ऐसा मत कीजिए। देखिए, आप कृपा करके मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर बैठकर मेरी बात सुनिए। मेरी छोटी बहन कृष्णा का आपके बेटे रामू के साथ रिश्ता तय हुआ है, और मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया है, समझे? अब तुम्हारी और हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अरे मैं तो उस दिन भी सारी बस्ती वालों के सामने तेरी माँ को कह कर आई थी कि हमारे पीछे पीछे मत आना, मगर तुम तो बड़े ही बेशर्म किस्म के इंसान निकले। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते, हमारे हिंदुस्तान में जुबान की बड़ी कीमत है। एक बार इंसान अगर किसी को जुबान दे दी तो उस पर से इतनी आसानी से नहीं फिरा जा सकता जितनी आसानी से आप समझ रहे हैं। बस मैं आपसे इतना ही कह के जा रहा हूं, आज के बाद कभी भी हम दोबारा आपकी चौखट पर नहीं आएंगे।
अगर आएंगे तो वो आप आएंगे। हम तब भी आपका स्वागत करेंगे। एक भाई का स्वाभिमान है। चलो जी अंदर। माँ, तुम्हारे घर में भी तो बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ में कोई ऐसा करे तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? कृष्णा का कसूर सिर्फ इतना है ना कि वह अनपढ़ है। उसके अनपढ़ होने की सजा देनी है तो उसके माँ बाप को दो जिन्होंने उसे पढ़ाया नहीं। जब माँ बाप ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? और भगवान ना करे कल मैं ही मर जाऊं और आपकी बेटी जिंदा रहे, उस वक्त क्या करेंगी आप? उसी तरह गिड़गिड़ाएंगी भगवान के सामने जैसे कल कृष्णा के माँ बाप आपके सामने गिड़गिड़ा रहे। जाइए मर जाइए और उनसे माफी मांगिए। ठीक है बेटा, अगर उस अनपढ़ कोई लाने का तेरा विचार है घर में ले आऊंगी मैं, मगर ये तो बता तू उस अनपढ़ का करेगा क्या? तुम एक औरत हो माँ, और औरत का संसार में क्या योगदान होता है तुम अच्छी तरह जानती हो। और एक बात बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी। कहीं ऐसा ना हो कि लेने देने के चक्कर में हम सबको जेल हो जाए। नहीं नहीं बेटा, चुप चुप बोल, तू जैसा चाहेगा हम वैसा ही करेंगे। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। बहन जी, अरे अरे नन्नू, हंसना बहन जी, अरे भाई नन्नू कैसे हो? अरे बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे पास जाऊं कि तुम्हारी दवा दारू कैसी चल रही है। और भाई ये तुम्हारे पैसे भी तुम्हें देने थे, ये लो। अरे भाई हमारे सेठ जी तो देवता है देवता, उनके तो पैर धोकर पीना चाहिए नन्नू, है नहीं? अब देखो कितनी बड़ी रकम तुम्हारे लिए भेजी है उन्होंने। शक्ति दरवाजा बंद कर दो, कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। बहन जी बड़ा खराब जमाना है, है? लो भाई शक्ति अंगूठा भी लगवा लो। ये लो शाबाश भाई, दवा तुम भी लगा दो। बस 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 ठीक है। और भाई नन्नू चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना नन्नू। ये मुझे दे दो, इसको बक्से में डाल देती हूँ। हाँ। कहीं कोई देख ना ले। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैडी, मैं आप ही के पास आ रही थी। सनी रात को घर नहीं आया। इसमें कौन सी नई बात है? अरे दोस्तों के पास डूब गया होगा। दोस्त 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 डैडी, एक दिन उसके दोस्त भी उसे ले डूबेंगे। और आप, आपने उसे इतना सर पे चढ़ा रखा है कि पूछो मत। अब कर लो मजदूर वाली ही बात ले लो। क्या जरूरत थी बेचारे मजदूर को मारने की? उसकी ये हरकत इतनी शर्मिंदगी भरी है कि मुझे उसे अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है। डैडी, डैडी आप प्लीज उसे डांटिए,
वरना वो दिन दूर नहीं जब वो शक्ति जैसे गुंडों के साथ मिलकर और मुनीम के साथ मिलकर आपकी मिल में ताला लगवा देंगे। रंजना, डैडी, डैडी आप समझते क्यों नहीं? सनी अगर आपका बेटा है तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मुझे तो दुख होता है ये सोच सोच कर कि भविष्य में हमारी मिल का क्या होगा। डैडी, आज समाज जाग चुका है, आज का मजदूर साक्षर होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब मजदूर पूरी तरह से साक्षर हो जाएगा और तब चालबाज मुनीम, आप और सनी जैसे गुंडों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। पर्दाफाश कर देगा साक्षर समाज धोखाधड़ी और बेईमानी का। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं बेईमान हूँ? डैडी, डैडी मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वो चापलूस हैं, धोखेबाज हैं, बेईमान हैं और उनकी संगत में रह रहकर आपके ऊपर भी वो असर आ सकता है। डैडी, आप मेरा विश्वास कीजिए वरना वो दिन दूर नहीं कि आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। ठीक है अपना लेक्चर अपने पास रख, जब मैं फंस जाऊंगा तो तेरे पास नहीं आऊंगा कि मैं फंस गया हूं, मुझे बचा ले। बहुत बड़े धोखे में है। धोखा, इतना बड़ा धोखा। बाबा आपको जरूरत क्या थी मुझसे पूछे बिना अंगूठा लगाने की? मैं वापिस आ ही रहा था ना, मैं तो नहीं जाता ना वहां जाकर। चुप चुप बोल बेटा, ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। हार में जाए वो सेठ और उसके पैसे, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। ले, ले पकड़ ये पैसे और मार दे उस सेठ के मुंह पर जाकर। ये पैसे तो मैं उस सेठ के मुंह पे मार ही दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अपने बाबा के खून की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा मैं उस सेठ से। चलो चाचा, अर्जुन चाचा अभी आओ, मेरी बात सुनो, यहाँ सब लोग। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये देखो ये 20,000 रुपए, ये देखो 20,000 रुपए। कल मैं घर पे नहीं था तो मेरे पीछे से मुनीम यहाँ आया और बाबा को ये 20,000 रुपए देकर मुआवजे की 1,00,000 रुपए की रकम के ऊपर इनका अंगूठा लगाकर चला गया। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, आप सब लोग मेरे साथ चलो, हम पूरी मिलकर घेराव करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ चलो चलो, राजा के बाबा के साथ धोखा हुआ है, चलो अब चलो, हम वीर की हीट से हीट बना देंगे। अरे सरकार, वो राजा मजदूरों को इकट्ठा करके ले आया और हमारी सारी चाल के बारे में समझ गया है, अब क्या होगा हुजूर? मैंने पहले ही कहा था कि फैसले के मुताबिक नन्नू को 1,00,000 रुपए दे देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी, अब भुगतो बैठ के। ठीक है, भुगत देंगे डैडी, आप सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं और शक्ति सब कुछ देख लेंगे। क्या खास देख लोगे यार, जो मिलती घेराबंदी कर लेंगे। डैडी मैं उन्हें गोली मार दूंगा अंकल, मैं एक एक को घर घर में घुस के मारूंगा। अबे घुस घुस मारने के बच्चे, जब मेरे को फिर से ताला लग जाएगा ना तो भूखे मरोगे भूखे। अरे हुजूर, आप बुरा ना माने तो मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैंने आपका नमक खाया गोल नहीं। हुजूर आप ऐसा करें कि राजा को अकेले में यहाँ बुला लें, हम सब मिलकर उसको साम दाम दंडों से मना लेंगे। ठीक है, आप उसको बुला के लाइए। ना हुजूर, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कीजिए आप किसी और को भेज दीजिए। ठीक है शक्ति, जा सब बुला के ला। चल, सेठ ने बुलाया तुझे अंदर, चलो। जाओ ये लीजिए सेठ जी, हमारी आपने 20,000 रुपए तो ये मुनीम का बच्चा मेरी खैर हाजिरी में मेरे अन पर बाबा का भूखा लगाकर मौजिक एक नाम के बदले में दिया था।
यदि हम पूरा 1,00,000 जो सरकार ने तय किया था। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे बेटा, मना किसने किया है? लेकिन तुमने आज काम क्यों बंद कर दिया? यह काम आप बंद रहेगा सेठ जी, जब तक आप हमारे एक एक नए पैसे का हिसाब नहीं दे देते हम काम नहीं करेंगे। राजा बेटा, पैसे तो मैं तुम्हारे बाबा को दिया है ना। कितने? 1,00,000 रुपए। और कितने देता? और अंगूठा कितने पे लगवाया मुनीम? वही 1,00,000 पर अंगूठा लगवाया, कोई ज्यादा पर थोड़ी लगवाया तू बेटा शक्ति। हाँ मुनीम जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ नहीं हो सकता सेठ, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है, लेकिन अब ये दाल नहीं गलेगी। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता इख्तियार करके तुम क्या कर लोगे हमारा? हाँ राजा, ये सोच लेना कि तुम टक्कर किससे ले रहे हो। किसकी टक्कर किससे होगी ये तो वक्त ही बताएगा। राजा बेटा, गुस्से से काम ना लो। सेठ से मिलकर रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी रकम भी ले लेना। अब तुम काम पर जाओ, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने सेठ जी का नमक खाया गुड़ नहीं। गुड़ तो मैं तुझे खिलाऊंगा मुनीम, लेकिन यहाँ नहीं, जेल की काल कोठरी में। सेठ, अगर मैंने एक एक को कोर्ट में नहीं घसीटा तो मेरा नाम भी हाजिर नहीं। चलता हूँ सेठ, अब अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। मेरी आप कहे तो उस आदमी राजा के बच्चे को। हाँ अंकल, अब इस राजा को उठाना ही पड़ेगा। ना 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 ना, छोटे सरकार ऐसा मत करना, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। सारे मजदूर उसको देवता मानते हैं, अगर आपने उसको उठवा लिया तो सारे के सारे मरण विरत रख देंगे। और राजा, जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता तुम भी बाहर मत जाओ। रंजना और गीता हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अभी मिल को बंद ही रहने दो और अपनी साक्षरता अभियान को जोर शोर से चलाओ। देखो ना, अगर नन्नू जी अनपढ़ नहीं होते तो बिना पढ़े लिखे कागजातों पर अंगूठा नहीं लगाते और ना ही अपनी जीती हुई बाजी हारते। मैडम जी, मुझे मुआवजा मिले या ना मिले इसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन हमारी बस्ती में पेड़ों के लिए ये साक्षरता अभियान का आगाज जो आपने किया है इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब हमारी तरह ये मजदूर भाई कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि अब वो पढ़े लिखे होंगे। वाह नन्नू जी, कितने अच्छे विचार हैं आपके। यदि आप जैसे विचार हर इंसान के हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से दुख दर्द अपने आप मिट जाएगा। खैर, हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। कहाँ से आ रही हो तुम? तुमसे मतलब? जवाब दो रंजना, कहाँ से आ रही है? डैडी, अब मैं कोई बच्ची नहीं रही जो हर बार का जवाब रहूं। तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो गई कि जहां चाहो जब चाहो जिसके साथ मर्जी चली जाओ। किसके साथ? राजा के साथ। बताओ क्या लगता है वो तुम्हारा, क्या संबंध है तुम्हारा उसके साथ? हाँ बोलो, क्या लगता है वो तुम्हारा? सिर्फ एक दोस्त। आज वो तुम्हारा दोस्त हो गया और हम तुम्हारे दुश्मन? डैडी, ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई किसी का दुश्मन। ये तो विचारों का संगम है। जैसे आप मेरे पिता हैं, सनी मेरा भाई है, जरूरी नहीं कि हमारे आपस के विचार आपस में मेल खाएं। डैडी, आप लोगों का हक मारते हैं और मैं उन्हें हक दिलाती हूँ। बेइंसाफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, बेइंसाफी? कौन सी बेइंसाफी की हमने? हाँ? क्या बेइंसाफी नहीं की है आपने? आप लोगों ने उस बेचारे नन्नू को धोखा नहीं दिया? डैडी, आपने रात के अंधेरे में शक्ति और मुनीम को भेजकर बेचारे नन्नू को 20,000 रुपए थमा दिए और उससे 1,00,000 के कागजात पर अंगूठा लगवाया। ये बेइंसाफी नहीं तो और क्या है? बोलिए, शायद आप जानते नहीं कि कानून नाम की भी कोई चीज है। इस 420 के चक्कर में शक्ति और मुनीम तो अंदर जाएंगे ही, आप लोग भी बच नहीं पाएंगे। हम लोग जब अंदर होंगे सो होंगे,
अगर आज के बाद अगर तुमने अपने कदम इस घर से बाहर निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैडी, डैडी देखा आपने क्या कह रहा है? ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तुम्हें आजादी देने का मतलब ये नहीं कि तुम हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे गले में फंदा डालो। यही तो आप नहीं समझ रहे कि वो मजदूर आपके सच्चे दोस्त हैं, और जो लोग आपकी चापलूसी करते हैं वो लोग आपके दुश्मन हैं। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम मुझे सुना रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। डैडी इसको बोल दो अगर अब इसने एक भी अल्फाज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्चाई कितनी कड़वी होती है। अब पोल खुली तो हाथ उठाने की बात करने लगे। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन लेकिन मुनीम और शक्ति तो अंदर जाएंगे ही, आप लोग भी नहीं बच पाएंगे। स्टॉप इट, कंटिन्यू, मेरा को सर्दी चल जाते। एक्सक्यूज मी, जरा रुके। आप मुझे बताएंगे राजा का घर किधर है? क्यों, क्या बात है? राजा तो मेरे भैया का ही नाम है। आपके भैया? आप भवानी दीदी है ना? हाँ। अरे भैया ने आपके बारे में इतना बताया कि मैं आपको देखते ही पहचान गई। आइए भैया, सामान उतारो। भैया देखिए आपकी जिम्मे कौन है। अरे भवानी, तुम कब आई? भवानी ये मेरे बाबा हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी छोटी बहन है कृष्णा। माँ बाबा मैं आपको बता दूं कि ये कौन है। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ एक लड़की थी भवानी, जिसने मेरी हर तरह से मदद की थी, यहाँ तक कि मेरे कॉलेज की फीस भी भरी थी। माँ इसके माँ बाप ने मुझे बच्चों की तरह प्यार किया था। ये वही है भवानी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, मुझे बता क्या बात है। भवानी बताओ क्या हुआ। हाँ बेटी, राजा बिल्कुल अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। अपनी डैडी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कब हुआ ये सब? तुम्हारे आने के कुछ दिन बाद। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे इम्तिहान लेता है इंसान के। भवानी ये मेरे बाबा, देखो इन्हें, मैं जब शहर से वापस आया तो मुझे ये सब देखने को मिला। बाबा का हाथ मशीन में आके कट गया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी राजा, आई एम सॉरी। पिछले दिनों कुछ ऐसी गम की आंधियां चली हमारी जिंदगी में कि हमारे हमारे घर की सारी खुशियां उड़ा कर ले गई। बेटे हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। बेटी तुम भी हमारी कृष्णा की तरह हो, तुम अगर चाहो तो आज से इस घर को अपना घर और हमें अपना माँ बाप समझ सकती हो। हमारे लिए तो जैसी कृष्णा वैसे। बाबा आप लोग मुझे इतना प्यार देंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी दीदी बनकर रहोगी ना? मेरी कोई दीदी नहीं है ना? देखो दीदी कौन आया है। हेलो रंजना। और अंजना, अंजना। ओह
क्या कोई फोन? तू बता, तूने कितने खत लिखे, कितने फोन किए? इसलिए मैंने भी सोचा विदाउट इंफॉर्मेशन जाकर सरप्राइज देती हूँ। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया, मैं भी बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। अच्छा सीता, जाकर नाश्ते की तैयारी करो और तू बैठ यहाँ पर और बता कैसी है। बस मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तू बता, तूने वकालत वगैरह शुरू की या नहीं? हाँ, वकालत तो शुरू की। गुड, कितने केस में? कौन सी मिल्क लेबर का? सीट करोड़ी माल की। सीट करोड़ी? ये तो तेरे डैडी की मिल है ना? यस। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने घर ही वकालत शुरू कर दी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बता, कितने दिन का प्रोग्राम बना के आई है? प्रोग्राम क्या बताऊं यार, वहां कुछ काम ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मेरा एक चक्कर चला था, एक दो मुलाकातें हुई थी, अभी पूरी तरह मैच्योर भी नहीं हुआ था। उस साले लल्लू के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। बस लाइफ बुरी तरह बोर हो गई थी, मैंने कहा चलो रंजना जी के यहाँ जाकर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। देख, अब मैं यहाँ से तब तक हिलने वाली नहीं जब तक तू मुझे बोर नहीं कर देती। हाँ, अगर ऐसी बात है तो तू कभी बोर नहीं होगी और तू हमेशा यहाँ की होकर रह जाएगी, क्योंकि मेरी लाइफ में इतना ट्विस्ट चल रहा है कि पूछ मत। वेरी इंटरेस्टिंग। Thank you.